टी20 वर्ल्ड कप अगले साल 4 से 30 जून तक। क्रिकेट इतिहास में अमेरिका को पहली बार मेजबानी, वेस्ट इंडीज समेत 10 शहरों में 55 मैच। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के 10 शहरों में 27 दिन तक 20 टीमों के बीच 55 मैच होंगे। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अमेरिका पहली बार आईसीसी के किसी ग्लोबल इवेंट की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अमेरिका के शॉर्टलिस्ट किए गए 4 शहरों को इंस्पेक्ट कर लिया है। इनमें से 3 को इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिला है। अगले कुछ महीनों में सभी वेन्यू फाइल कर दिए जाएंगे। अमेरिका के 4 शहरों फ्लोरिडा, मोरिसविले, डलास और न्यूयॉर्क को फिलहाल शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें केवल फ्लोरिडा स्थित लॉडरहिल स्टेडियम को ही इंटरनेशनल स्टेटस मिला है। यही अगस्त में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 टी20 मैच भी खेले जाएंगे। बाकी 3 शहरों को इंटरनेशनल स्टेटस मिलना बाकी है। आईसीसी गाइडलाइन के अनुसार वर्ल्ड कप होस्टिंग के लिए इंटरनेशनल स्टेटस मिलना जरूरी है। मोरिसविले चर्च स्ट्रीट पार्क और डलास ग्रैंड पियर स्टेडियम में फिलहाल मेजर लीग टी20 टूर्नामेंट के मैच खेले जा रहे हैं, जबकि न्यूयॉर्क वेंट कोर्टलैंड पार्क इन द ब्रॉन्क्स में फ्रेंचाइजी या इंटरनेशनल किसी भी लेवल का कोई मैच आयोजित नहीं हुआ। अमेरिकी शहरों में टूर्नामेंट के कुछ मैचों के साथ ज्यादातर वार्म अप मुकाबले होंगे। वहीं वेस्ट इंडीज में वार्म अप मैच कम और मुख्य मुकाबले ज्यादा होंगे।